नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। इंदौर में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। इंदौर में जब कई बुजुर्ग बेसहारा जो सड़कों पर रहते हैं, दीपावली के दिन असहाय थे और इस त्योहार को मना नहीं पा रहे थे, तब ऐसे बुजुर्गों को पुलिस ने चिन्हित कर उन्हें मिठाई और राशन के पैकेट बांटे हैं। इंदौर पूर्व के पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के नेतृत्व में एएसपी शशिकांत कनकने और पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने सड़कों पर गुजर बसर करने वाले बेसहारा और बुजुर्गों को मिठाई के डिब्बे और राशन का वितरण किया। इस दौरान इंदौर पूर्व के पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने बताया कि कोरोना काल के दौरान भी इंदौर पुलिस ऐसे लोगों की मदद करती आई है और ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है, नियंत्रण के लिए काम करती है। और इसके अलावा जो एक पुलिस की अपनी सामाजिक जिम्मेदारी है, पुलिस उसको भी बखूबी निभाने की हर संभव कोशिश करती है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में किस तरीके से पुलिस वालों ने राहगीरों को खाना खिलवाया। कई जो जब पहला लॉकडाउन लगा था तो लोगों के चप्पल तक पहनवाए पुलिस वालों ने। आज ये खुशी का मौका है, आज दीपावली का त्यौहार है। कई ऐसे अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं जिनके पास में व्यवस्था नहीं होती है, तो ये हम लोगों की एक छोटी सी कोशिश है, छोटा सा प्रयास है कि उनके जीवन में भी थोड़ा सा हम लोगों की वजह से यदि खुशियाँ आ सकती हैं तो हम उसके लिए ज़रूर हमें कोशिश करनी चाहिए। और उसी के लिए कि जो कुछ एक अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको अपनी तरफ से कुछ मिठाई, कुछ जो है दीपावली का राशन जो है हम लोगों ने अपनी तरफ से उपलब्ध करवाया। देखिए, निश्चित तौर पे जब जो है आप किसी की सेवा करते हैं और किसी बड़े बुज़ुर्ग का आपको आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित तौर पे वो बहुत ही फलदायी होता है। और शायद ये ईश्वर की ही कृपा है कि जो है पुलिस ने आज तक जितने अपराध हुए हैं सभी को पुलिस ने बहुत रिकॉर्ड टाइम में खोला है और काफ़ी हद तक अपराधों में कमी लाने में, उनमें नियंत्रण स्थापित करने में भी मदद की है। तो ये जो है एक छोटा सा प्रयास है। बाकी कुल मिलाकर के असल में कहा जाए तो अपन तो सिर्फ एक जरिया ही बनते हैं, बाकी तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है कि वो करवाता है। बाकी एक अच्छा प्रयास है और बाकी जगह पे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि बाकी जगह पे भी ऐसा हो। इसमें करीब 50 से ज़्यादा लोग हैं, 50 से ज़्यादा परिवार के लोग हैं जिन पे कि हम लोगों ने आज यहाँ पे इनको दीपावली के लिए मिठाई और कुछ जो ज़रूरी राशन है। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको कि रियली मतलब डे टू डे उनको अपनी लाइफ के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और जैसे यदि मान लीजिए कि काम बंद हो जाता है दीपावली के समय पर, अभी छुट्टी वगैरह हैं, तो हो सकता है कि उनके लिए जो है व्यवस्था ना हो पाए खाने की, तो वो हम लोगों की तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि हम लोग इसको कर पाएँ। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।